हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड के जो ऑप्शनल पेपर है, जो कि हमारा एर्थ पेपर है एस्ट्रोनॉमी, उसके ऊपर। उसका पहला जो चैप्टर है वो हमारा है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, जिससे 4 फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इसे कम्प्लीट करेंगे, इससे पूरा जो 4 फुल क्वेश्चन है उसे कम्प्लीट करेंगे, फिर हम स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी को शुरू करेंगे। तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्टेट एंड प्रूफ कोसाइन फार्मूला या डेरिवेशन ऑफ कोसाइन फार्मूला। तो हम इसे कैसे डिराइव करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ रफ वर्क है जो हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको रफ वर्क बताता हूँ कि रफ वर्क क्या है और फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का कुछ नाम हम दे देते हैं, लाइक ए बी सी, और जिस वर्टेक्स के सामने का जो साइड है वो स्मॉल ए, स्मॉल सी और ये स्मॉल बी। ये वाला जो एंगल है हम इसे कैपिटल ए मान लेते हैं। जो कैपिटल ए है यानी कि इस वाले एंगल के लिए अगर हम कॉस में फॉर्मूला निकालें इसका, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए को छोड़ के, यानी कि कॉस ए के सामने का जो साइड है उसको छोड़ के बाकी दो साइड के स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके सामने के साइड को हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर को घटा लेते हैं, बटा टू इंटू ये वाला साइड छोड़ के, यानी कि ए के सामने का साइड छोड़ के बाकी दो जो साइड हैं वो इसके इंटू में आ जाते हैं, तो बी इंटू सी। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस कोसाइन के फार्मूला को ड्राइव करेंगे उस वक्त में, ठीक है। कुछ और रफ वर्क है, पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है 90 डिग्री का सामने का जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एंगल मान लेते हैं सी, तो सी एंगल के लिए अगर हम कॉस निकालें तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी कितना हो जाएगा इसका, ओ ए, और एच कितना हो जाएगा, ओ डी। साइन सी निकालेंगे तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो पी इसका कितना होगा, ए डी, और एच कितना होगा, ओ डी, ठीक है। तो ये इस पार्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हो गया। हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, ये ओ है और ये ई है, और यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो बी है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस बी, तो कॉस बी का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी कितना है यहाँ पे, ओ ए, और यहाँ पे एच कितना है, तो ओ ई। और साइन पी का निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारा पी बाई एच, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हमारा ए ई, और बाई कितना, ओ ई। तो ये हमारा दो रफ वर्क है, ठीक है ना। इस रफ वर्क को हम आपको याद करना होगा, ये वाला, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसके वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हमें फिगर में ये वाला वैल्यू आएगा तो हम वहाँ पे कॉस सी का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला वैल्यू आएगा तो साइन सी का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला वैल्यू आएगा तो हम कॉस बी, और ये वाला जो वैल्यू आएगा तो हम साइन बी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये मैं इसे घेर देता हूँ ताकि आप इसे याद रखें। चलिए, तो ये कुछ रफ चीज़ हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। ये है हमारा कोसाइन फार्मूला का स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस द कोसाइन ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ द साइड। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। इस फिगर के अंदर क्या है कि ये हमारा दो टेंजेंट है, ये और यहाँ से ये वाला, दो टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट के बीच में यानी कि ये और इसके बीच में जो हमारा ये एंगल बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कैपिटल ए, ठीक है। यहाँ पे ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी। अब ये ट्राइंगल इस तरीके से क्यों बनाया गया है, तो ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल है, तो ये फ्लैट आपका इस तरह का ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका इतना एंगल है वो सी है, इतना एंगल जो है वो ए है, और ये पूरा एंगल जो है वो बी है, ठीक है। यहाँ पे ई
डी ए ओ सी बी ये सब इसका नाम दिया गया है। तो इस फिगर के बेस के अनुसार पे हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मान लेना होगा प्रूफ में। तो लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री या ट्राइंगल स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। उसका ओ जो है वो क्या है, सेंटर है, जहाँ पे वेयर ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी है, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी है कॉमा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू स्मॉल बी है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू स्मॉल ए है, और एंगल डी ए ई इज इक्वल टू कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी ये ऑलरेडी फिगर में आपको दिखाया जा चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इसका जो दो टेंजेंट से मिलके एंगल बना है ना उस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए डी एंड ए ई, आप फिगर को बैक करके देख सकते हैं, आर टेंजेंट, ठीक है ना, टू द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल फॉर्म कराना होगा, तो आइए पहले उस ट्राइंगल को फॉर्म करा लेते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा इसका फॉर्मेशन आ जाएगा। चलिए ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है, तो अब हम इसका नाम दे दें, ये ओ है, ये यहाँ पे डी है, ये ई है। यहाँ का जो एंगल बन रहा है ना वो हमारा स्मॉल ए बन रहा है। तो जैसा कि मैंने कॉस ए के लिए बताया था आपको कि कॉस ए के लिए क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे कैपिटल ए था, तो कैपिटल ए के बदले में हम क्या किए थे कि इसके सामने को साइड को छोड़ के बाकी ये दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़, फिर सामने वाले साइड का माइनस, और फिर टू इंटू बाकी की ये दो साइड। तो इसे हमें फिर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ई डी में, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे एंगल स्मॉल ए को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एंगल स्मॉल ए। तो स्मॉल ए के सामने का दोनों का साइड यानी कि ये वाला साइड को छोड़ के ये दोनों साइड का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर और माइनस ये वाला, तो ये हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बाई टू इंटू ये ओ डी इंटू ओ ई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो और में डी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी डी ई का स्क्वायर, तो ये टू से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर माइनस टू इंटू ओ डी इंटू ओ ई और इंटू कॉस स्मॉल ए। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल ए के लिए निकालें, यहाँ पे लिखते हैं अगेन इन ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है। तो कैपिटल ए के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बाई टू इंटू ए डी इंटू ए ई। और में क्या हो जाएगा, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए डी इंटू ए ई और यहाँ पे कॉस कैपिटल ए। इसे मान लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट ए डी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर ओ ए, तो उसके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स
एडी एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर OA इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। यानी कि यहाँ पे इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पे कैसे बनेगा। उस पार्टिकुलर फिगर का ये अलग अलग फिगर है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा C है, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए जब हम वर्क करेंगे, तो चूंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ये वो है, तो ओ ए डी ये हो जाएगा। चूंकि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस वाला यानी कि पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके सामने का ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरे ट्रायंगल में अगेन उसका फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए ई, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी एंगल ओ ए ई जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, तो इसलिए ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, इससे हम मान लेंगे इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। इक्वेशन 1 और 2 को एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारा डी का स्क्वायर है, और हमारे इक्वेशन 2 में भी डी का स्क्वायर है, तो इसके दोनों राइट हैंड साइड ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं, पहले ये है हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ डी इंटू ओ ई, और ये है हमारा कॉस स्मॉल ए इज इक्वल टू, और इधर देखते हैं इधर हमें क्या मिलता है, तो ये मिलेगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, और सॉरी ये प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू ए ई और कॉस कैपिटल ए। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है हम उसको इक्वल के उस पार ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 2 इंटू ओ डी इंटू ओ ई और कॉस स्मॉल ए इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे तो माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर प्लस ये हमारा ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू ए ई और इंटू कॉस कैपिटल ए। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, यहाँ पे ओ डी है, ओ डी का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, तो ओ डी का स्क्वायर क्या है, ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, उसके बाद से ये हमारा ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू ए ई और इंटू क्या, कॉस कैपिटल है, कुछ कटने छटने वाला है, जैसा कि ये ओ डी का स्क्वायर और ये ओ ए का स्क्वायर, एक मिनट ये कुछ गड़बड़ हो गया, और ए डी का स्क्वायर है, ओ नहीं है, ये यहाँ पे ए है, तो ए डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर ख़त्म, ए का स्क्वायर प्लस माइनस ख़त्म, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस 1 और ये 2, तो माइनस 2 ओ ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू ए ई इंटू कॉस कैपिटल है। ठीक है, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये हमारा मिलेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी इंटू ए ई और इंटू कॉस कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला, तो हम सिर्फ कॉस ए को रख के बाकी को डिवाइड में भेज दें, तो और भी हमारे पास मिल जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू ये माइनस 2 इंटू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी इंटू ए ई
और इनटू क्या कॉस कैपिटल ए, ठीक है, और बाई कितना माइनस टू ओ डी इंटू ओ ई, तो ये माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, तो ये हो गया हमारा ओ ए का स्क्वायर बाई ओ डी इंटू ओ डी इंटू ओ ई, और प्लस ये हो जाएगा हमारा ए डी इंटू ए ई इंटू कॉस ए, और बाई कितना ओ डी इंटू ओ ई, ठीक है। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा ओ ए बाई ओ डी, और ये ओ ए बाई ओ ई प्लस ए डी बाई ओ डी इंटू ए ई बाई ये हमारा ओ ई, और यहाँ पे क्या है कॉस कैपिटल ए। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू जो है वो ऑलरेडी पहले ही रफ में निकाल लिया है, ओ ए बाई ओ डी का जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास कॉस सी, इसका जो वैल्यू मिला है वो हमारा मिला है कॉस बी, प्लस इसका जो वैल्यू मिला है वो हमारा मिला है साइन बी, इसका जो वैल्यू मिला है वो मिला है हमारा साइन सी, और ये कॉस ए का कॉस है, ठीक है। इधर क्या बचा है, इधर हमारा बचा है कॉस ए। अब हम इसको इस पार लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू साइन सी, और ये हमारा कॉस ए इज इक्वल टू स्मॉल कॉस ए, ठीक है। इसको ऑल हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑल सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा और में, तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी, और कॉस कैपिटल ए इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा स्मॉल कॉस ए माइनस, इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस बी, तो इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू कॉस बी, और ये पूरा जो है साइन बी इंटू साइन सी, ये हमारा इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा डेरिवेटिव मिला है ना, ये जो ड्राइव हुआ है फार्मूला, यही हमारा कोसाइन फार्मूला है, ठीक है ना। यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या, कॉस स्मॉल ए माइनस कॉस सी इंटू कॉस बी बाई साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो ये कब मिला है, जब हम कॉस कैपिटल ए के लिए निकाले हैं, तो इसी तरीके से कॉस बी के लिए और कॉस सी के लिए भी हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम सिमिलरली का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं। सिमिलरली हमें कॉस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए और कॉस कैपिटल बी। तो कॉस कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये, यानी कि कॉस बी माइनस ये, तो कॉस सी इंटू कॉस ए और बाई ये, यानी कि साइन सी इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये कॉस बी के लिए मिल गया, एंड कॉस स्मॉल सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये बी हो गया, सी हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी और कॉस कैपिटल सी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस कैपिटल सी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉस स्मॉल सी माइनस कॉस ए कॉस स्मॉल बी और बाई कितना साइन ए साइन बी। तो ये कुल मिला के जो हमारा है वो कोसाइन फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नई हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है समझने के लिए, लेकिन जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय।